आप मुझे बताइए किन चीजों से आप स्ट्रगल करते हैं और किन चीजों के ऊपर मेहनत करेंगे और आपका टारगेट क्या है, कितने दिनों में वो मेहनत पूरी हो जाएगी। मेरे हिसाब से 7 to 10 days का डिटॉक्स होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा जी की तरह समाधि लगा के बैठ गए और रोज के रोज बड़ी बड़ी तपस्या कर रहे हैं। ऑल ऑफ दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपका जो रेगुलर चीजें चल रही है वो करते रहिए, पर धीमे धीमे अपने आप को एक रूटीन के अंदर लेके आइए। धीमे धीमे अपने डिवाइस यूसेज को कंट्रोल करिए, धीमे धीमे अपनी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाइए। आप चाहेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो इन सारी चीजों के ऊपर बना दूंगा। यदि आप ये भी चाहते हैं कि सर आप बताइए कि अब से लेके नीट एग्जाम तक मेरा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, तो आप मुझे ये बता दीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कितने कितने चैप्टर हो गए और कितनों में आपको कंफर्ट है। मैं उसके हिसाब से आपको एक नजरिया बता दूंगा कि अपना टाइम टेबल कैसे बनाया जा सकता है। बट इट इज इंपॉर्टेंट अगले 7 to 10 days हम इन वाली चीजों को फिक्स करने की कोशिश करें, जिसको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ दिवाली डिटॉक्स। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिवाली का टाइम है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। आपकी जिंदगी में इस समय पे लाइट एक चीज से आएगी, अगले साल जब नीट का एग्जाम हो उस दिन आपका जबरदस्त परफॉर्मेंस हो, आपको MBBS सीट में उसके बाद एडमिशन मिल जाए एंड मिस्टर राहुल बिकेम अ डॉक्टर देयर आफ्टर। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। और उसके लिए इस टाइम पे जब करीब 6.5 महीने बचे नीट एग्जाम के अंदर, इट इज इंपॉर्टेंट कि हम अपनी कुछ चीजें फिक्सअप कर लें। दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग इट दिवाली डिटॉक्स। कुछ चीज़ें डिटॉक्स करने की ज़रूरत है तो एक एक करके चलता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ जो डिटॉक्स करने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको एक डेली रूटीन होना चाहिए। बिना डेली रूटीन के यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म ऑप्टिमली। इस समय से लेकर नीट एग्ज़ाम तक करीब 190 दिन के आसपास बचे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपना रूटीन बना लें। 190 दिन कम नहीं होते। तो रूटीन का पहला पार्ट है 7 घंटे सोना। दूसरा पार्ट है अपने दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो कि 8 to 9 घंटे सिलेबस कंप्लीशन, 2 to 3 घंटे रिवीजन। और मैंने ए और बी इसलिए लिखा हुआ है, रिवीजन के दो पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा कि यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट दैट इज कमिंग अप। आपको पता है हम लोगों ने एक नई टेस्ट सीरीज चालू की Ascent 2.0। मैं चाहता हूं कि डिटॉक्स आप अच्छी तरह 6-7 दिन रन करें और आदत डालें डेली 2 घंटे रिवाइज करने की फॉर द टेस्ट दैट इज कमिंग अप। आपका अगला टेस्ट 17 नवंबर को है Ascent 2.0 का, और उसके बाद जैसे जैसे आप टेस्ट देते जाएंगे आपको अपने वीक एरिया पता चलते जाएंगे। तो दूसरा पार्ट आपको रेगुलरली जो देना है वो ये है कि जो भी आपके वीक एरियाज आइडेंटिफाई हो रहे हैं उसके ऊपर टाइम देना है, उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ लेनी है, थ्योरी वगैरह करनी है, थोड़े वीडियो देखने हैं वो देख लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है स्पेसिफिकली उन चीज़ों के वो कर लीजिए, बट यू कंटिन्यूसली हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ योर वीक एरियाज। एंड फाइनली 2 hours ऑफ नॉन स्टडी टाइम, जिसमें आप खुद की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हैं। आपको एक अंधेरे कमरे में बिना कपड़े चेंज किए 10-12 दिन से नहाए हुए नहीं है और मतलब हालत ख़राब है आपकी और सोचे जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं, किसी से शेयर नहीं कर रहे, उनके बाहर नहीं निकल रहे, दैट इज़ नॉट गुड। यू हैव टू बी एक्टिव फिजिकली सो दैट यू आर एक्टिव मेंटली, ठीक है। तो दिस इज पार्ट ऑफ डिटॉक्स। डिटॉक्स का मैं बहुत स्पेसिफिक कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ, ये 4, 1, 2, 3, 4 है ना। You have to be honest with yourself. You should know what your strong areas are and what your weak areas are. और आपका ज़्यादा टाइम अपने वीक एरियाज पर जाना चाहिए, उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उससे रिलेटेड चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, उससे रिलेटेड अपने टीचर से डाउट पूछना है। You have to be on top of your weak areas. आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज में भी बीच बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कुछ करना कर लीजिए, बट यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ योर वीक एरियाज, तभी आपके नंबर बढ़ेंगे जो भी आपके इस टाइम पे नंबर आ रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है अपने डिवाइस यूसेज को कंट्रोल करिए। दिस इज नॉट एन ईजी प्रॉब्लम टू सॉल्व। डिटॉक्स, दिस इज वन पार्ट ऑफ डिटॉक्स, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ डिटॉक्स, ये देखिए है ना। अगले 5-6 दिन इन चीजों को फिक्स करने की कोशिश करिए व्हाइल यू आर स्टडिंग। डिवाइस यूसेज को कंट्रोल करिए। बहुत सारे ऐप्स आते हैं जिनके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपका डिवाइस यूसेज कितना रहा। एक और उसका तरीका ये हो सकता है कि जब भी तलब हो रही है डिवाइस की, मम्मी पापा से बोल दीजिए कि मैं आऊँगा आपके पास, डिवाइस आपके पास है, आप मुझे दे देना, राइट। देर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू कैन डू, मैं आपको नहीं बताऊंगा। सपना आपका है, मेहनत आपको करनी है, आपको इस चीज़ से बचना है, मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। दिवाली डिटॉक्स। तीसरी चीज़, आपकी सिटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। हम लोग सिटिंग कैपेसिटी और रिवीजन को इनेबल करने के लिए एक टारगेट बैच 2.0 जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। आपको पता है कि हमारे कोर्सेज के ऊपर अभी दिवाली डिस्काउंट भी अवेलेबल है, बट उसके अंदर एक चीज़ जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि आप रिवीजन करें रेगुलरली और आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़े, ये दोनों चीज़ें इग्नोर होती हैं। आपके ऊपर सिलेबस कंप्लीशन का प्रेशर होगा, आप रिवीजन को इग्नोर करेंगे
और इस वाली चीज को इग्नोर करेंगे. बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और चौथी चीज है 1 आवर ऑफ डेली वॉक. ये जो मैंने 2 आवर्स ऑफ नॉन स्टडी टाइम बोला, इसमें से 1 घंटा डेली वॉक. आप चाहते हैं तो मैं भी अपना डेली कितना मैंने वॉक किया वो डाल दिया करूंगा टेलीग्राम चैनल पर. टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. एनी वेज ऑन दैट टेलीग्राम चैनल आई एम कंटिन्यूसली इंटरेक्टिंग विद यू. ठीक है, अभी काफी सारा टाइम बचा हुआ है नी 2025 के अंदर. 190 डेज इज अ लॉट ऑफ टाइम. 1900-2100 घंटे की आराम से पढ़ाई की जा सकती है. बट वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कितना इफेक्टिवली हम पढ़ पा रहे हैं. और वो सारी चीजें आर पार्ट ऑफ दिस दिवाली डिटॉक्स. चीजों को फिक्स करिए, इन चीजों को फिक्स करिए जो आपके सामने दिखाई दे रही है. ठीक है, आप यदि हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल इफ यू डोंट फिक्स दीज थिंग्स. 17 नवंबर आ जाएगा, यू विल नॉट बी रेडी. आपने रिवाइज नहीं किया होगा, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, आपको खुद के ऊपर शक होगा. प्रॉब्लम ये थी कि आपने ये जो चीजें यहां पे लिखी हुई हैं इनको फिक्स करने की कोशिश नहीं की. 17 नवंबर के टेस्ट में अभी टाइम है. जिस चीज के लिए टाइम नहीं है वो ये है कि ये वाली चीजें अभी आज इसी वक्त से एफर्ट देना चालू करना पड़ेगा. दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हैपन जस्ट लाइक दिस. एक टाइम पे उठना, एक टाइम पे सोना, बीच में पढ़ाई करना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, सही चीजों के ऊपर टाइम लगाना, अपने आप के ऊपर नॉन स्टडी टाइम देना, ये सारी चीजें धीमे धीमे आएंगी. बट विदाउट दीज थिंग्स यू विल नॉट बी सक्सेसफुल इन योर टारगेट टू क्रैक नीट. सो होपफुली गाइस दिवाली डिटॉक्स. मुझे आप लोगों से वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए आप इसके ऊपर मेहनत करेंगे. आप मुझे बताइए किन चीज़ों से आप स्ट्रगल करते हैं और किन चीज़ों के ऊपर मेहनत करेंगे और आपका टारगेट क्या है, कितने दिनों में वो मेहनत पूरी हो जाएगी. मेरे हिसाब से 7 to 10 days का डिटॉक्स होना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा जी की तरह समाधि लगा के बैठ गए और रोज के रोज बड़ी बड़ी तपस्या कर रहे हैं. ऑल ऑफ दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. आपका जो रेगुलर चीज़ें चल रही हैं वो करते रहिए, पर धीमे धीमे अपने आप को एक रूटीन के अंदर लेके आइए. धीमे धीमे अपने डिवाइस यूसेज को कंट्रोल करिए. धीमे धीमे अपनी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाइए. आप चाहेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो इन सारी चीज़ों के ऊपर बना दूंगा. यदि आप ये भी चाहते हैं कि सर अब बताइए कि अब से लेके नीट एग्जाम तक मेरा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, तो आप मुझे ये बता दीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कितने कितने चैप्टर हो गए और कितनों में आपको कंफर्ट है. मैं उसके हिसाब से आपको एक नजरिया बता दूंगा कि अपना टाइम टेबल कैसे बनाया जा सकता है. बट इट इज इंपॉर्टेंट अगले 7 से 10 दिन हम इन वाली चीजों को फिक्स करने की कोशिश करें जिसको मैं यहां पर बोल रहा हूं दिवाली डिटॉक्स. बताइए गाइस इज इट ओके, हैव यू अंडरस्टूड. वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और मैं एक सेपरेट वीडियो उसके बाद लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्मेट में टाइम टेबल के लिए या इनमें से किसी चीज के ऊपर और आपको डिटेल चीजें चाहिए बना दूंगा. ठीक है बच्चों.